तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक प्रिंस। फ्रेंड्स, यूटीआई ने अपना जो ओल्ड पीएसआईडी चलता था वो बिल्कुल बंद कर दिया 1 जुलाई 2023 से। अब यहां पे यूटीआई ने अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पैन कार्ड बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बेस भी पैन कार्ड बना सकते हो और ओटीपी और फिंगरप्रिंट बेस से भी पैन कार्ड बना सकते हैं। तो हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है CSCUTI PAN। तो यहां पे हमारे ओल्ड पीएसआईडी पे हमारे यूजर काम कर रहे थे जो फाइनली अब बंद हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे यूटीआई ने कूपन सिस्टम खत्म कर दिया है, अब यहाँ पे वॉलेट सिस्टम लेके आया है। तो हमारे यूजर जो है ओल्ड पीएसआईडी को यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो यूटीआई ने बिल्कुल बंद कर दिया है। पर हमने यहाँ पे अपने यूजर के लिए सॉल्यूशन निकाला है क्योंकि हमने वहाँ पे यूटीआई का नया वाला पीएसआईडी की सर्विस भी अवेलेबल कर दी है, उसको बस आपको एक्टिवेट करना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि हम कैसे अपना नया वाला यूटीआई का पीएसआईडी जनरेट करें और कैसे हम उसमें काम करें। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट देखना। और अभी तक आपने रॉक टेक प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट है CSCUTI PAN। यहाँ पे मेरे काफी सारे यूजर ओल्ड पीएसआईडी पे काम कर रहे थे, पर अचानक से वहां पे जो है काम करना हो गया बंद। तो अब उस कंडीशन में मेरे यूजर को नया पीएसआईडी को एक्टिवेट करना है, कैसे एक्टिवेट करना वही इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये सेम टू सेम पोर्टल आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे मार्केट में, क्योंकि ये हमारा एक वाइट लेवल है और वाइट लेवल तो वही एक एडमिन से काफी वाइट लेवल बन जाएंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा उनका भी, जैसे मेरी वेबसाइट पर मैं जैसे बताऊंगा वैसे वैसे वो भी आप इस वेबसाइट से जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने यूजर को लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो देन मैंने वहां पे उसके बाद अपनी यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लिया और मैंने यहाँ पे अपनी यूजर के लिए एक नोटिफिकेशन भी चला रखा है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि 2 जुलाई के बाद यूटीआई ने बिल्कुल खत्म कर दिया है और 3 जुलाई के बाद आपका जो है नया वाला पीएसआईडी चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेम टू सेम डैशबोर्ड है, ऐसे डैशबोर्ड काफी मिल जाएंगे मार्केट में, तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको एक वीडियो से सारी वेबसाइटों का काम हो सके। तो हमारे पास पहले था ये यूटीआई पीएस से ओल्ड वाला, जहां पे हमारा कूपन सिस्टम होता था, तो वहां पे कूपन खरीदते थे, कूपन हमारी पीएसआईडी में जाता था और वहां पे काम होता था, पर ये जो है अब बंद हो चुका है। तो हमारी वेबसाइट में अभी नया सर्विस आ गया है यूटीआई ई केवाईसी न्यू, हमारा न्यू करके यहाँ पे आ गया। कुछ टाइम बाद ये ओल्ड वाला यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब ये काम ही नहीं करेगा तो इसका क्या फायदा। तो यहाँ पे जो है ओल्ड वाले की जगह न्यू वाले पे हमें जो है सर्विस को एक्टिवेट करना है। अभी इस आईडी में नया वाला आईडी एक्टिवेट नहीं है, तो वो कैसे करना वही मैं बताता हूँ। तो हम जैसे न्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ई केवाईसी कूपन बाई, ई केवाईसी पीएसए अप्लाई, ई केवाईसी यूटे, ई केवाईसी लॉगिन और ई केवाईसी पीएसए पासवर्ड रिसेट। तो अभी हमें क्या करना, अपना पीएसए अप्लाई करना है, क्योंकि ओल्ड वाला जो गया वो गया, जो गया सो गया, उसको हमें याद नहीं रखना है। अभी हम आगे क्या करना है वो चीज हमें याद रखनी है। तो हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे ई केवाईसी पीएसए अप्लाई पे, और जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया तो ये हमसे हमारे अमाउंट्स के 5 रुपए डेबिट कर रहा है। अलग अलग अमाउंट अलग अलग वेबसाइट का होगा, हमारी वेबसाइट पे यहाँ नॉर्मली 5 रुपए डेबिट है, और यहाँ पे एक मेरा यूजर है इसका अकाउंट नाम यहाँ पे आ रहा है और हमें यहाँ से पीएसए को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जनरली पीएसए अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है अप्लाई किया। जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज शो हो जाएगा, यूजर क्रिएट CUP, पहले आईडी थी CUP8923 कुछ ऐसे मोबाइल नंबर था, पर अभी जो नया यूजर आईडी आई है वो आई है CUP- करके, बीच में डैश लग गया है, बाकी मोबाइल नंबर अभी भी वही है। एक ये वेरिफिकेशन कोड है जो आगे जाके चलेगा हमारा, जो आगे जाके हमको मिलेगा ये, और ये मैसेज जो हमारे मेल आईडी पे भी जाता है, यहाँ पे लिखा ना हैज बीन सेंड टू योर मेल। तो अपना मेल आईडी चेक कर लेना, वहां पे आपको आईडी और एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, और जो पासवर्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट सेम होता है, आईडी और पासवर्ड दोनों फर्स्ट टाइम में सेम होता है। अभी यहाँ पे यूजर क्रिएट में क्या था कि ये CUP- करके और ये मोबाइल नंबर है। मैं गंभीरता से इसलिए बता रहा हूँ, डीपली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को ना ध्यान रखते नहीं हो और बस कमेंट करना शुरू कर देते हो कि हमारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। तो ये जो आईडी है CUP- यहाँ हो सकता है CUP की जगह और कोई कोड हो जाए, ये वेबसाइट के नाम पे डिपेंड करता है। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है, ऐसे ही आपको CUP दिखेगा, बाकी आपके मेल आईडी पे भी जाएगा यूटीआई की तरफ से आईडी पासवर्ड,
और आईडी और पासवर्ड दोनों सेम होगा। जैसे मेरे केस में क्या है, CUP-89 उसका मोबाइल नंबर है, यही आईडी है और यही पासवर्ड है, समझ लो यही आईडी और यही पासवर्ड है, दोनों सेम सेम है जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। और ये वेरिफिकेशन कोड हमें याद रखना है, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं अपने फोन में। ये कोड जो आपको मेल आईडी पे भी जाएगा, मेल आईडी का स्क्रीनशॉट आप साइड में देख लेना, इस तरह से आपको ये मेल जाता है। तो अभी मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है, तो इसको मैं अपनी जो PSID को इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया और वेरिफिकेशन कोड जो मैंने ये नोट कर लिया, क्योंकि इसका यूज होगा, कहां यूज होगा वो बताता हूं। अब यहां पे फिर से जाएंगे हम न्यू वाले पे और यहां करेंगे UTI EKYC लॉगिन। तो हम यहां पे UTI EKYC लॉगिन करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे UTI का जो नया वाला डैशबोर्ड है वो इस तरह से है लॉगिन पेज। पहले वाला जो ओल्ड वाला था वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पे, और ये न्यू वाला ये है, तो दोनों में डिफरेंट हो गया है। अभी हमें क्या है यहां पे डालना, वो आईडी डालना जो हमारे मेल पे गया, ये जो मैंने कॉपी किया, तो कॉपी मैंने कर रखा था, तो ये मेरी आईडी है और यही मेरी पासवर्ड है, दोनों सेम सेम है अभी के टाइम में। और यहां पे मैं कैप्चा फिल कर लेता हूं, कैप्चा फिल करने के बाद सीधा मैं सबमिट करूंगा, ये लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद UTI TSL, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, हमने क्लिक किया और नीचे हम कर्सर करेंगे तो यहां पे कंसर्ट टिक करने के लिए आएगा। जैसे कंसर्ट टिक करेंगे तो हमारे सामने डिटेल आ जाएगा कि हमने क्या क्या डिटेल हमारी फिल है। अगर आपकी यहाँ पे कुछ भी आपको दिक्कत लगता है कि हाँ हमारी यहाँ पे डिटेल गलत है, तो आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज सारी चीजें ओके हैं, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे और नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन से आपको यहाँ पे जो अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब काम आता है, जब अपना पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो वहां पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन की वजह से आपका पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें फेवरेट बुक ले लेंगे, सबसे बढ़िया है फेवरेट बुक, और हिंदू धर्म में होती है गीता, तो मैं अब जो है अपनी फेवरेट बुक का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया गीता। और यहाँ पे मेरा सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा मेरा आंसर रहेगा जो मुझे पता होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ये रजिस्ट्रेशन कोड, जिस कोड की मैंने बात की थी, जिसको मैंने अपने फोन में नोट डाउन किया था, वो रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पे डलेगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन कोड क्या था वो मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कोड डाल दिया, पर डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में एक अदर करके आता है, तो अदर हमें नहीं रखना है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमें क्लिक करके उसको फिल कर लेना है। तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था, मेरे यूजर का, वो मैंने डिस्ट्रिक्ट रख दिया, बाकी डिटेल तो आ जाती है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे मैं क्या करना है, सीधा सबमिट करना है। तो जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो हमने जैसे सबमिट किया तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, क्लिक ओके, चेंज पासवर्ड। अब हमें क्या करना, अपना पासवर्ड चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट क्या था कि सेम आईडी थी और सेम पासवर्ड था। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें, अपनी मनपसंद का आप पासवर्ड यहाँ पे बनाएं। तो ओल्ड पासवर्ड तो वही था, जो हमारी आईडी है वही है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी यूजर आईडी को ही कॉपी करेंगे और सीधा यहाँ पासवर्ड में डाल देंगे, क्योंकि ओल्ड वाला पासवर्ड हमारी यूजर आईडी ही है। और यहाँ पे हमें नया पासवर्ड बनाना है। अब नए पासवर्ड में हम एक कैपिटल लेटर भी बनाएंगे, स्मॉल लेटर भी बनाएंगे, स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिकल। हमें स्पेशल करेक्टर को लेके मैक्सिमम 5 वर्ड का हमें पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे सबमिट किया तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना है, तो लॉग इन नहीं करना है, पहले आपको अपने कीबोर्ड से या तो F5 दबा देना है या फिर अपने पेज को रिफ्रेश करना है। तो अपने पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तभी आप यहाँ पे लॉगिन करें, अदरवाइज बिना रिफ्रेश करे आप लॉगिन करेंगे तो पेज नॉट वर्किंग करके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आईडी और जो मैंने पासवर्ड बनाया वो मैं यहाँ पे फिल करूंगा। तो आईडी तो मैंने कॉपी कर ही रखा है, और पासवर्ड जो मैंने बनाया वो मैं यहाँ पे फिल करूंगा। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश भी किया हमने, अब यहाँ पे मैंने रिफ्रेश भी कर लिया था, फिर भी जो है दिस पेज इज नॉट वर्किंग, जो मैंने बोला कि पेज नॉट वर्किंग आ रहा है, तो आपको क्या करना भैया, पेज को कट ही कर दो और सीधा फिर से UTI EKYC लॉगिन करो। तो मैंने फिर से UTI EKYC लॉगिन किया। अब यहाँ पे मैं फिर से वही आईडी और वही पासवर्ड जो मैंने बनाया है वो यहाँ पे मैं डाल के और कैप्चा फिल करके सबमिट करता हूँ। तो देखा आपने कि पेज मुझे कट करना ही पड़ा और यहाँ से फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ा, मुझे दोबारा से लॉगिन करने के लिए दोबारा पेज ओपन को करना पड़ा, तब जाके ये पेज ओपन हुआ। मैंने रिफ्रेश भी किया तब भी ये वर्क नहीं किया, पता नहीं क्यों, UTI का ये क्या बग है या क्या है समझ नहीं आता। तो मैं ये पेज को कट करना ही पड़ा, तब जाके मैंने फिर से लॉगिन किया, तब जाके ये ओपन हो गया। फाइनली अब हमारी आईडी यहाँ पे ओके हो गई है। अब यहाँ पे हमारा जो है एक यहाँ पे बैलेंस दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा बैलेंस। जब हम पहले कूपन खरीदते थे तो पहले कूपन दिखता था,
अब यहाँ पे जब हम कूपन की जगह बैलेंस को परचेस करेंगे, वहां से जो भी आपका अमाउंट सेट होगा वो अमाउंट आपका कटेगा और यहाँ पे आपको बैलेंस दिख जाएगा 107 रुपए के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से पैन कार्ड का प्राइस 107 रुपए होता है। अगर आपके सुपर में या आपके यूजर में अगर 100 रुपए किसी ने सेट करके दिया कि आपको पैन कार्ड 100 रुपए में मिलेगा, तो आपके वॉलेट से तो 100 रुपए कट होगा, पर यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वो 107 रुपए क्रेडिट होगा, क्योंकि पैन कार्ड की जो कीमत है वो सरकारी कीमत वो 107 रुपए है। तो वो बैलेंस आपको यहाँ पे 100 हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे न्यू पैन ऑप्शन पे, यहाँ पे अपना पैन कार्ड बना सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से करेक्शन कर सकते हो, फॉरेन का बना सकते हो और ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑल इन वन सारी सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जैसे मैं न्यू पैन पे जाऊंगा, न्यू पैन पे पैन एप्लीकेशन, और यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फॉर अलाउड ऑफ पैन, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक टर्म एंड कंडीशन आएगी, हमें इसको ओके करना है, तब जाके हमें यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिजिकल मोड जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे जैसे पुराने वाले में करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसका वीडियो सेपरेट मैंने बना रखा है दूसरी वेबसाइट से, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम फिजिकल मोड में पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं न्यू वाले पोर्टल से। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है डिजिटल मोड, डिजिटल मोड का भी मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे हमें EKYC फिंगरप्रिंट या OTP के माध्यम से पैन कार्ड बनाना है और 2 घंटे में अपने कस्टमर को देना है, उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। हालांकि वेबसाइट वो अलग है पर UTI PSA का प्रोसेस सेम है, कोई अंतर नहीं है, आप चाहे कहीं से भी किसी से भी आईडी लिए हो पर UTI का प्रोसेस सेम होता है। तो ये है, बाकी चीजें आप देख लेंगे, वीडियो बना है, वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है और अपना जो है पुराना वाला आईडी को छोड़ देना है, नई वाली आईडी पे आपको काम करना है। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजों को कवर करने की कोशिश की है, और आपको फिर भी कंफ्यूजिंग है, आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, कोई क्वेश्चंस है, तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको जरूर से दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूं यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।